दोस्तों आज के इस वीडियो में भारतीय रेलवे से जुड़े हुए तीन बड़े अपडेट्स के बारे में जानकारी होगी। जहां एक ओर भारतीय रेलवे कुछ ट्रेनों के रेक कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से बदल देगा, वहीं दूसरी ओर हमारा भारतीय रेलवे कुछ ट्रेनों को बंद करने जा रहा है इसी अगस्त के महीने से। ये कौन सी ट्रेन होंगी इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। साथ में भारतीय रेलवे कुछ नई वंदे भारत ट्रेनों को भी शुरू करने वाला है इसी अगस्त में। ये सभी ट्रेन शुरू होंगी, कौन सी ट्रेन है, किस रूट पर चलेंगी, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। भारतीय रेलवे में हो रहे बदलावों के बारे में बताने से पहले, अगर आप द रेल यात्री पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, ट्रेन से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल होते हैं, जो रेल यात्रा से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मेरा इतना वेटिंग है, वेटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा, इस टाइप के आपके सवालों का मैं आपको जवाब देता हूं। लेकिन बहुत से लोग पूरा सही से सवाल नहीं पूछते हैं। जैसे कि हमेशा मैं आपसे कहता हूं, ट्रेन नंबर कहां से कहां तक आप जा रहे हो, एसी में यात्रा कर रहे हैं या आप स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं, जब आपने टिकट बुक किया था उस समय आपका वेटिंग कितना था, और अभी जब आप मुझे मैसेज कर रहे हो तब आपका वेटिंग कितना है। आपको PNR शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझे देते हैं तो मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधा अधूरा सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि आप मुझे जवाब दीजिए या जवाब नहीं दे रहे हैं। आधे अधूरे सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की मदद करने की। अगर आप पूरा सवाल पूछेंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। दोस्तों ये तो हो गई आपके फ़ायदे की बात जो रेल यात्रा से जुड़ी हुई है। अब आते हैं उस मेन टॉपिक पर जो इस वीडियो का है कि तीन रेलवे के बड़े अपडेट्स क्या हैं। पहला अपडेट, भारतीय रेलवे कुछ ट्रेनों को इसी अगस्त के महीने में बंद कर रहा है और ये बंद रहेंगी। अगर आपने इन ट्रेनों में अपना टिकट बुक करके रखा है तो याद रखिएगा आपको परेशानी हो सकती है, लाखों रेल यात्रियों के टिकट कैंसिल भी होंगे। दोस्तों हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था फेसबुक पर कि ट्रेन कैंसिल हो गई लेकिन रिफ़ंड नहीं आया और उनको रिफ़ंड नहीं मिला। रिफ़ंड ना मिलने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। दोस्तों वो कारण कुछ इस प्रकार होते हैं कि लोग गलत तरीके से TDR फाइल करते हैं, या फिर चार्ट बनने के या काफ़ी समय बाद रेलवे से रिफ़ंड के लिए कहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है ऑटोमेटिक रिफ़ंड आ जाएगा। ये सभी कारण हैं जिस वजह से उनको रिफ़ंड नहीं मिलता है। अगर आप इस टॉपिक पर पूरा विधिवत वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इस टॉपिक पर कोशिश करूंगा आपके जितने भी सवाल आएंगे अगले 2-3 दिनों में, उन सभी सवालों पर एक पूरा वीडियो बनाकर आपकी मदद करूं। फिलहाल दोस्तों रेलवे के द्वारा कैंसिल की जा रही ट्रेनों के नाम और नंबर कुछ इस प्रकार हैं। ट्रेन नंबर 11124 बरौनी मेल, ट्रेन नंबर 11078 झेलम एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12716 सचखंड एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12279 ताज एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12280 ताज एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 11902 आगरा कैंट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 11901 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस, पठानकोट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 14624 उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 20848 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इटावा इंटरसिटी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर रहेगा 11903 हज़र निज़ामुद्दीन दुर्ग हमसफ़र एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर रहेगा 22868। दोस्तों ये ट्रेन प्रभावित होने वाली हैं, इनको आंशिक रूप से कैंसिल किया जाएगा या फिर इन ट्रेनों को पूरी तरीके से कैंसिल किया जाएगा। भारतीय रेलवे की तरफ से ये अपडेट आ रहा है, आने वाली 15 अगस्त के पहले पहले ये आपको इन ट्रेनों में देखने को मिलेगा। अगर आप इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले हैं तो एक बार इन ट्रेनों का टाइम टेबल भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप बढ़ते हैं इसी वीडियो के दूसरे अपडेट की ओर, जहां पर भारतीय रेलवे अगस्त के महीने में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। इन सभी वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक अलॉट हो गए हैं ICF की तरफ से, और जिस जोन में इन ट्रेनों को चलना है वहां पर ट्रायल चल रहे हैं इन सभी वंदे भारत एक्सप्रेस के। फिलहाल जिन रूट पर इन ट्रेनों को चलाया जाएगा वो रूट मैं आपको बता देता हूँ। पटना से हावड़ा और हावड़ा से पटना तक चलेगी वंदे भारत। अगला रूट रहेगा तिरुनेलवेली से चेन्नई, और चेन्नई से तिरुनेलवेली तक चलेगी वंदे भारत। चेन्नई से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से चेन्नई तक चलाई जाएगी। और अगला रूट रहेगा काचेगुड़ा से यशवंतपुर, और यशवंतपुर से काचेगुड़ा तक वंदे भारत को चलाया जाएगा। ये 4 वंदे भारत चलेंगी इसी अगस्त के महीने में। डेट अभी स्पेसिफाइड नहीं है, रेलवे की तरफ से कोई भी इनॉग्रल डेट का या फिर कमर्शियल रन का कोई भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन रेक पिछले महीने ही अलॉट कर दिए गए थे और इन सभी जोन्स में रेक पहुंच चुके हैं।
भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई तीसरी बड़ी अपडेट, भारतीय रेलवे कुछ ट्रेनों के रिकॉम्पोजिशन को पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। ये कौन सी ट्रेन है मैं आपको फटाफट उन ट्रेनों के बारे में बता देता हूँ। ट्रेन नंबर 12327 उपासना एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12369 कुंभ एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12328 उपासना एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12370 कुंभ एक्सप्रेस। दोस्तों ये जितनी भी ट्रेन मैंने आपको बताई हैं इन ट्रेनों के रिकॉम्पोजिशन बदल जाएंगे। इन ट्रेनों को दिसंबर के महीने से LHB कर दिया जाएगा। अगर आप दिसंबर के टिकट बुक करने जाएंगे तो वहाँ पर सीटों में आप बढ़ोतरी देख पाओगे और यात्रियों को अब आरामदायक और सेफ जर्नी करने का मौका मिलेगा दिसंबर के महीने से, क्योंकि नए आधुनिक LHB रेक के साथ ये ट्रेन चलेंगी। रेक कॉम्पोजिशन क्या होगा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचा दूँगा। फिलहाल दोस्तों ये थे कुछ बड़े अपडेट इस अगस्त के महीने में जो भारतीय रेलवे करने वाला है। इन सभी अपडेट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। फिलहाल मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।